धार जिले के पीथमपुर शहर में आज शनिवार सुबह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति एकता गार्डन के पास ही गली में रहने वाला है। 17 जून को गले में खराश और सर्दी खांसी की शिकायत होने पर वह महू के गेटवेल हॉस्पिटल में जांच के लिए गया था, जहां डॉक्टर अनुपम तिवारी ने मॉडर्न पैथोलॉजी में एक्सरे करवाने का निर्देश दिया, किंतु शाम को वह घर चले गए, जिसके बाद गेटवेल हॉस्पिटल से व्यक्ति को MTH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सैंपलिंग ली गई और आज शनिवार सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरोरा, नगरपालिका CMO गजेंद्र सिंह बघेल, स्वच्छता निरीक्षक रुपेश सूर्या, कैलाश मंडलोई और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। पीथमपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक संक्रमित पाया गया है, इस पर पुलिस की क्या व्यवस्था है? संक्रमित एरिया जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर उसे के कंटामिनेटेड एरिया होने के बाद उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया जाएगा और वहाँ से आने जाने के लिए लोगों को सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा जो ज़रूरत का सामान लेकर आएंगे जाएंगे, बाकी पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग भी करेगी। जी, नाम बता दीजिए आपका। सब इंस्पेक्टर हीना जोशी, थाना सेक्टर 1। क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या कोई पॉजिटिव आया है और क्या क्या नगरपालिका ने व्यवस्था करी? इंदौर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ये राजेंद्र पाटिल जी को इंदौर में भर्ती होने के बाद यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन ये कैंटोनमेंट क्षेत्र को पैक वो किया सील किया जा रहा है और सभी दूर सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर प्रतिदिन सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जाएगा। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पर बैरियर भी लगाएंगे आप? बैरिकेटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, 3 गलियों को सील करने के आदेश प्राप्त हुए तो उन्हें सील कर किया जा रहा है। जी, और इनके भोजन पानी की व्यवस्था क्या रहेगी? इनके भोजन पानी की सुबह शाम की व्यवस्था नगर प्रशासन नगर पालिका द्वारा की जाएगी। इन्हें जो भी सामग्री की राशन की आवश्यकता होगी वो नगर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। रुपेश कुमार सूर्या, सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका पीथमपुर। सर बताएं सर कि क्या मामला है ये? फोर्स मोटर का एक कर्मचारी है, वो आज पॉजिटिव आया है। इंदौर में एडमिट था, इंदौर से वहाँ TB हॉस्पिटल से इसकी एक MTB हॉस्पिटल से इसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है। तो आज इन्हें पेशेंट तो वहीं एडमिट है, बाकी इनके घर के 2 लोग 3 लोग और बाकी इनके जो किराएदार थे उन लोगों को हमको लोग एहतियात के तौर पे धार भिजवा रहे हैं। जी, अभी क्या व्यवस्था की गई है सर यहाँ पर? यहाँ पे हमने जो एरिया है वो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। यहाँ की कुछ गलियाँ हैं उसको सील कर रहे हैं, यहाँ सैनिटाइजेशन प्रॉपर कराया जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनकी व्यवस्थाएँ की गई है, बाकी जो 6 लोग हैं उनको हम लोग धार क्वारंटाइन सेंटर भिजवा रहे हैं और उनकी सैंपलिंग की जाएगी। कुल कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? 6 लोग। सर जैसे पूर्व में आपने तालाबंदी भी की करी थी कि कोई बाहर ना निकले, हाँ, इस तरह की भी आपने यहाँ पर प्रोसेस? नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ये कर रहे हैं, जो आसपास के 2-3 घर हैं बस उन्हीं लोगों को हम लोग सील कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया जाएगा। जिस समय इनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएगी ये लोग जो रहते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद ये चीज़ पूरी की जाएगी। कुल पीथमपुर में मरीजों की संख्या कितनी होगी? अभी पीथमपुर में ये एक ही मरीज आया है, टोटल मिला के पुराने जो 14 लोग थे उसके बाद में एक ये 15वां पेशेंट है। सैंपलिंग तो बहुत सारी की गई है, सैंपलिंग एहतियात के तौर पे भी कई की गई है, टोटल मिला के पीथमपुर से 450-450 सैंपलिंग हो गई है अभी तक। डॉक्टर चमनदीप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।